हमारे देश के तमाम जनता, आप लोग को मेरा प्यार पहुंचे। जहां तक ये आवाज पहुंच रहे हैं, जरूर आप लोग को अदाब अर्ज हो रहा है। भाई बहनों, इंस्पेक्टर्स ऑन द वेज का इंस्पेक्टर्स के बारे में बात करने जा रहा हूं। ऑन द वेज इंस्पेक्टर्स रोजाना 200 लेर लेंगन अपने मां बाप लोग के साथ मिनिस्ट्री पर आते हैं डिस्पेंसासी के लिए, मतलब कि जो लड़कन साइट सलाह नहीं हुए हैं, जो लड़कन को स्कूल से निकाल दी गई है कोई कारणवश, उनके लिए फिर से इजाजत मांगने के लिए उनके माता पिता बच्चों के साथ वो जाते हैं मिनिस्ट्री पर कि उन लोगों को मौका दिया जाए कि वो फिर से एक मर्तबा एग्जाम में भाग ले सके। डिस्पेंसासी और दरवेज इंस्पेक्टर्स की तरफ से कहना है कि 200 नंबर रोजाना बाहर दिया जाते हैं ताकि 200 स्टूडेंट अपने मां बाप लोग के साथ इंस्पेक्टर के पास पहुंच सके बातचीत करने के लिए। उसे ज्यादा नहीं हो पाएगा। स्टीफ रिच जो फोर्स से तरह फंड बोन फॉर इंस्पेक्टर्स बोले, कम से कम हम लोग को बारे में भी, हम लोग का प्रोसीसी के बारे में और हम लोग के मांग के बारे में भी मिनिस्ट्री को ख्याल करना चाहिए। ये जनता, आप सुने हैं कि चिनवा मुलुक का एम्बेसडर जंग जेन सियोंग वो सूरीनाम से अपना मुल्क को वापस चला गया है। आप तो जानते हैं कि जाते हुए समय सूरीनाम का प्रेसिडेंट देसी बौत्रस जंग जेन सियोंग को बनुम किया है तो द्राखर फन हेट ग्रोट लेंथ इन द एयर और द फन द पलम। इस वक्त सूरीनाम में एक नया अम्बेसडर आया है। इस नया अम्बेसडर जो चीना मुल्क का है, इनका नाम है लुई हुआन। ये इतवार को पहुंच गया है सूरीनाम में, या इतवार को ये पहुंच रहा है। प्यारे प्यारे लोग, आप तो जानते हैं कि चीना मुल्क सूरीनाम को चला रहा है। सूरीनाम के जो जो जरूरी चीज होता है चीना मुल्क का सरकार तुरंत देने के तैयार हो जाता है। ये सब बात आप जानते हैं, इसको दोहराने के जरूरी नहीं है। ए भैया, ऐसा आन रेडिंग हुआ ना काका, हम बात करने जा रहा हूं तुलिफो कनाल व्यक के बारे में। एक पर्सन ऑटो और एक पिकअप, ये दोनों में टकराया है, धक्का लगा है और धक्का कारण से एक पैलेट सीमेंटी जिस पर मौजूद था दुकान के सामने, एक गाड़ी मारी से ये सब सीमेंटी फेंटी छितरा गया है। ओकरे बाद में जाकर के इलेक्ट्रिस मस्त में लगा धक्का, बस जितनी काबल फाबल है स्ट्रोम के सब हिल हिल गया है। ये तमाशा रोजाना हमारा देश में होता मौसी। ओ तो धक्का मारते हैं दूसरा गाड़ी को और गाड़ी जाकर के इलेक्ट्रिस पाल में मार देते हैं, ये सूरीनाम में रोजाना होता है। हमारे भाइयों और जनता, बोन फन ले रन वेलको फालीस बच्चों को पुकार किया, स्कूल के बच्चों को, आ से ई के बच्चों को, पैदा खोखी से इंस्टीट्यूट एसपीई में आ से ई को अब रखेरिंग मिनिस्टर भर्ती करना चाह रहा है। बॉन्फॉल लेर आरन इस बात से नाराज है क्योंकि अल्बर्ट कामरोन इंस्टीट्यूट आ से ई को एसपीई के अंदर लाना चाहते हैं मिनिस्टर, तो फालीस ने बच्चों को पुकार किया कि बच्चों जल्दी से आओ, और बच्चन फाट पड़ा भैया। जब बच्चन पहुंचा वहां तो जो दरवाजा था मिनिस्ट्री का
दरवाजा फोड़ देर, बस उस फोड़ देर का एक आईना ठेलट ठालट में वो आईना फुट करके छितरा गया। बट तब एक मिनिस्टर फिर ये लिनियन फिर ये बिगड़ गए इसका की हम तो क्या बताएगा वो तमाशा। लिलियन फिर ये बिगड़ गए बप्पा, बोले कि ये लोग आकर के दरवाजा तोड़ डाली से गैना फोड़ डाल दे। प्यारे प्यारे लोग, इतनी लड़कन मौजूद था वहां ठेल ठलाई में, बस आईना फूट गल के मारी दरवाजा का। अब मिनिस्टर नाराज भाई, लिलियन नाराज हो गए, भैया तो जाने लिलियन फिटी फ्रॉ है न खबर ये बप्पा न सोचिए के बारे में। तब बिल्कुल फालिस ने क्या कहा, बोले कौन केमारी के बारे में तू बात करे है, एक केमारी जो काजरी कौन जमाना के केमारी टूटल फूटल चीज यहां और आईना फूट गए तो तू बोले लड़कन हमार फोरी सा। बिल्कुल फालिस के बात सुनिए काका, मीनो साबी सोर तू और दोरो देशुमा पोती ड्रापे यारन नल दादे वानी गीदे लेर लेंगे दशकोजी। हम बताएगा लिलियन फिर ये बिगड़ गए, बोला आकर के यहां पर अब कमारी दरवाजा आईना फोड़ डाल लो। और वेखो फालिस बोले ये फोर क्रिस्टस के जमाना के कमारी उनका आईना फूट गए तो बोले लड़कन फोरी से। बहुत तमाशा भैया, देखो का होवे के भरे पैसा के न भरे, क्योंकि नुकसानी तो हो चुका है। लेजन फान है रीजनल बेस्टांस टीम परमारी वो ड्वेन फेई को गिरफ्तार किया है, ड्वेन फेई को गिरफ्तार किया है हेरमताशवेक पर। ये आदमी कप लंपन एंड बिम पर एक पुलिस की गाड़ी को चोरी किया है। आई बया भाइयों बहनों, ये आदमी ड्वाइन एफए कप लंपन एंड बिम पर एक पुलिस फुर्त एक पुलिस गाड़ी के चोरी की है। ये गाड़ी क्वार्टरबैक एक्सपर्ट एरेक्टे के सामने खड़ा था, वहीं पर ये ड्वाइन जा करके ये चोरी कर लिया कपलांपन अब बिम पर। लेकिन सिपाही उन्हें खोज खाज करके गिरफ्तार कर लिया है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है जिस जे इसमें हाथ बताए हैं, समझे रे काका। तो यही बात रहा अरेस्टाची के बारे में। अल्कोवा और सिरालको के बारे में आज डीएनआ में एक सभा लगने वाला था। हमारे देश के तमाम जनता, नेशनल असेंबली में आज सिरालको अल्कोवा के सिलसिले में और काहे कौन सिलसिले में ऊपर द अंत मंटलिंग फ्रॉम द राफी नाद रई टपारानाम, उसके बारे में आज असेंबली में सभा लगने वाला था। अचानक ये सभा रुक गया, इसका कारण नहीं दिया गया, इसका कारण नहीं दिया गया। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि हमारा सूरीनाम के प्रेसिडेंट कुबा में है, हाफाना में, जहां पर उनका उपराजसी हुआ है सक्सेस उपराजसी। लेकिन ये जो सभा लगने वाला था असेंबली में, वो सभा जारी नहीं हुआ। हमारे प्यारे प्यारे जनता, डाकुओं ने इतवार को एक गाड़ी, एक 44 साल का आदमी के गाड़ी पर गोली चलाया, उस पर गोली चलाया है और उनका लिंकर बोफन बीन वहां पर उनको गोली लगा। आप जानते हैं इस वक्त सूरीनाम में पैसा के लिए दौलत के लिए लोग ने अगर किसी को कत्ल करना चाहे तो उन पर गोली चला देता है। या डाकू लोग ने गाड़ी पर गोली चलाया है
पैसा लूटने के लिए। लेकिन हमारे सूरीनाम की तमाम जनता, देखो बात इतना दूर तक है, ये हम बात करते हैं बेल्ट पारामारिबो लंगाताबिकी के तरफ की बात हम कर रहे हैं। वेद प्रकाश गरीब नई फिल्म फेयर तक यार, ये इतवार को सूरीनाम रिफील में गिर जाने से इनका मृत्यु हो गया है। हमारे जनता, द पुलिस चीफ ऑफ कॉमवेन इतवार के रात्रि को उनको खबर मिला कि एक बोट पर से, एक स्पीड बोट पर से, वाशाई लगकर एक स्पीड बोट, जिस बोट पर उनका डेक पर दो आदमी बैठा हुआ था, दो पर्सन ऑन द ऑफ ए डेक फॉर हेड फार्टेड सैटन, दो लोग उस पर से बिछला करके गिर पड़ा रीवा में, एक गिरा रीवा में, एक गिरा बोट में, एक रीवा में गिरा, एक बोटिए में गिरा, जो बोट में गिरा वो बच गया, लेकिन जो रीवा में गिरा उन्हें आज तक लोग अभी तक नहीं पाया है। सुंदर हेट खवेंस्टरी सुल्तान हेट खात हम देश de 49-jarige wit prakaas garib die nog vermist wordt. Pjare loop, je had een liekheid. Man valt uit plezier vaartuig. Man valt uit plezier vaartuig. Wit prakaas garib, je baat Humphrey Narden, hoofdinspecteur van politie, akbar ko je zikir kia hai. Pjare loop, ये लियोसबर्ग के बात है, वहां पर वहीं पर गरीब ने रीवा में गिर पड़ा और पानी के नीचे चला गया। बहुत से खोजाई खोजी ये लोग ने, लेकिन वेद प्रकाश गरीब अभी तक न मिला है। बहुत अफसोस के सदेशा है, बहुत घबराहट वाला बात ये भाइयों, लेकिन बहुत दुख के सदेशा है। याद रखना, ए काका तो क्या का बताई भैया, तरह तरह के तमाशा जो देश में है। सुनिए तमाशा, सुनिए तमाशा, यहां पर लिखा है कि ट्वेल पर्सोन ओस वेस्ट फॉर बिंडिंग इलाका मरवेन में एक पर्सोन ऑटो में दोनों बैठ करके कहीं जा रहा है। भाइयों बहनों, जब स्टीडर एक टेंशन लेकर को बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों में धक्का लगा और एक गाड़ी जाकर के कंडाल में घुस गया, कंडाल में घुस गया काका। और यही बात है, जब ये कंडाल में गया है तो दोनों को बहुत चोट लगा है। द मेजर इंजेक्ट इन द लीफ एन आर्म फ्रैक्चर ऑफ, दोनों को तुरंत फ्रांस हरियाणा की तरफ लोग ले गए हैं देखभाल करवाने के लिए। भाइयों बहनों, एक आदमी को इतवार के रात्रि को पारामारिबो में हुकस्त्रात हॉफस्त्रात की कोने पर दो आदमी उन्हें पकड़ करके उनका सब फालवीता और सब सामान छीन लिया है। अब यही बात है कि का करत रह लो तू हुकस्त्रात में, कहा ले गए हो भैया हुकस्त्रात में पैदल दाम पर, आठोकात शॉर्स लीटर एचकार यही के लिए, यानी रिहाई के लिए कोर्ट में बप्पा तरह तरह के बात सामने रखा लेटर एडवोकेट कि एचकार यही को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ऑफिसी फाइस्टिट सी इन्हें 10 साल के सजा की मांग की है, क्योंकि एक ड्री फ्रावन फॉर क्राफ्ट ड्री फ्रावन ऑनर वी एंड मेंदर यारक मैश, इसीलिए 10 साल के सजा इनके लिए मांग हुई है ऑफिसी फरिश्ती के द्वारा। प्यारे प्यारे लोग जनता, अक्टूबर महीना में यह मुकदमा फिर आगे आएगा, क्योंकि 10 साल के सजा की मांग हुई है। ये 3 औरतों को बलात्कार की है, अब एडवोकेट इन्हें बचा रहा है, रिहाई के लिए मुकदमा चला है। प्यारे प्यारे लोग, हमारे सूरीनाम की तमाम जनता,
देखो हर एक तरह की बात है, हर तरह की बात है आपके सामने रखा जाते हैं, और ये बात भी मैं रखने के लिए जा रहा हूं। लेकिन बड़ी शर्म लगे बाप, बहुत शर्म लगे काका, कैसे बोली हम, देखती यार फ्रो, काकी तनी ध्यान से सुनिए, और ये बात तू आगे बढ़ा दिए कल जनता को समझा दिए, अंडेख यार फ्रो परेश में इनका रखकर परेश में इनको सजा दिया है, परेश में, क्योंकि ये 19 साल का औरत सूरीनाम से होकर के फ्रांस गुयाना से होकर के 400 ग्राम कोक, 400 ग्राम कोक हमारे देश के जनता, ये लड़की ये वो जगह पर कोक लेकर के गई है कि मुझे शर्म लगे बोलने के लिए, मौसी बहुत शर्म लगे मुझे बोलने के लिए, कहां पर रख करके ये गई है, सूरीनाम के नाम ऊंचा तो ना की है ये बात करके, सूरीनाम के झंडा तो न लहराई से, जो जगह पर ये घुसियर करके ले गई से, खाली शर्म 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 तो कितना बात हम बता दी काकी, खाली शर्म और बेज्जती। और तो पूछे कि ये काम तो कर लो है, क्या मिलने वाली थी आपको, बोले रेक्टर 4000 यूरो, इसलिए बोले हम सेंट लोरा से सूरीनाम और वहां पर हम गए हैं, तो वहां पर हमें ड्रग्स के जगह दिखाई, कहा मुझे रख करके ले जाना चाहिए, और मुझे फ्लिक टिकट भी दिया गई है। लेकिन प्यारे प्यारे लोग, ये औरत एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हो गई, नहीं खती यार कस्मा को कोकाइन इन, वो जगह पर जो जगह बोलते हुए मुझे शर्म लगती है काकी, शर्म लग रही है मुझे वो बात बोलने के लिए। काहे के शर्म लगी, शर्म तो जरूर लगी, अगर बोलक तो पहाड़ सुनिए फाट गए जो जी सारे। हमारे प्यारे प्यारे जनता, ए जनता, देखो हम आपको बहुत बात बताना चाहते हैं, क्योंकि आज वो भी अखबार ने भी जिक्र किया, इसलिए भाई बहनों, लेक एंड खतरोफन द मिसमैन प्रोजेक्ट, एक लाश मिसमैन प्रोजेक्ट, एक मर्द का लाश, अभी पता नहीं कैसे ये लाश वहां पहुंचा, सिपाही ने बसराख में लिया है, हो सकता है कि एक आदमी के नाम कैट 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 से लोग उनको बुलाते हैं, उन्हीं का लाश है, और ये खून खराबा हुआ या नहीं, सिपाही को ये बात ऑन द सुक करना चाहिए। आप जनता है तो हम जनता के लिए संदेशा दे रहा हूं, सबके बैठो, देख तो मोटकी कहा, लमकी कहा, देख तो काकी और कहा मोटकी भैया, सब कोई जब देखो पतंग उड़ावत, ये रतिया जो पतंग उड़ावत है क्या करे लिए, सुन तनी बतिया सुन मौती मौसी, सुन तमाशा तुम तो बताइए, एक रही क्रियासी ओट परनाम की बात सुनियो, सब के कान खोल खोल कर सुनियो, कि जेकर कान बंद है तो हम कुछ संदेशा आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे। परनाम के एक रही क्रियासी ओट में, वहां पर जितने लोग रही क्रियासी साल में डर तक पर सोनन, 30 लोग वो रही क्रियासी ओट में मौजूद था, और अचानक वो लोग बेहोश होने लगा, मुंह घूमने लगा, और हर एक को बीमारी की तरह पकड़ने लगी, जैसे कि अब मुझे खरीफ मार जाए क्या है। प्यारे प्यारे लोग वहां पर घबरा करके और गिरने लगा, सोनन अनवेल ऑपरेट क्रियासी ओर्च परिणाम, लोग ने बोले ये क्या होने लगा, तुरंत सिपाही को तार किए, क्योंकि वो लोग को शक हुआ कि वहां कुछ जादू मंत्र हुआ होगा, कुछ भूत भूत के बारे में होगा, या ओझाई के बारे में कुछ बात है, या कुछ हुआ जिसे जनता बेहोश होने लगी। प्यारे प्यारे लोग, सब लोग ध्यान तक लोग तुरंत जिक्र है इसको गया दिखवाने के लिए, का बात है, वहां पहुंचते वो लोग को बीमारी अच्छा हो गया। प्यारे प्यारे लोग, सब लोग को कहा गया कि तुरंत घरे जाओ,
तुरंत घर जाओ रे, 81 साल के तरफ मत जाना। अब काका तू बताओ कौन सी हो सके, कौन सी हो सके कि देर तक लोग वहां रहा और सब लोग के मुरी घूमने लगा और जिसकी छाट होने लगा और सब बेहोश होने लगा कि फुलाओ फुलाओ अब गिरने वाले हैं। कौन सी रहा काका, कौन सी ऐसा चीज आई वहां पर रिक्रियासी और पर? ए मौसी तो क्या हम समझाई ला, तू जाने कितना लोग जो यहां वहां पानी में तौड़ते हुए कितनी की मौत हो गई है, तू जाने से काकी। हम न बोल मांगी है कि उन लोगों का जीवात्मा भटक रहा है, ये बात हम न बोल रही है, लेकिन जो बात हम बोलने के लिए जा रहा हूं कि हकीकत में कुछ न कुछ तो है, कुछ न कुछ तो है, नहीं से 30 लोग बेहोश नहीं होता, 30 लोग बेहोश नहीं होते काका। ये काका यही बात हम आपसे कहिला, हमेशा प्रार्थना करते रहो, प्रभु के हमेशा याद करते रहो। आजकल कितने लोग जब विस्की दारू देख ले बैठे छौरी तो प्रभु के भूल जाता है, इसीलिए एक चेतावनी है आप लोग को कि प्रभु को मत भूलना, क्योंकि अगर आप प्रभु को भूलने की कोशिश करेंगे तो आप लोग गड़बड़ा सकते हैं। ये डर तक लोग जो अनवेल हुआ, इसका कारण इसका वजह लोग को ठीक रूप में अंधसुख करना चाहिए, अंधसुख करना चाहिए, और वे कुछ स्वाक स्वाक लोग के नहीं, एक जबरदस्त चलाक इंसान को इसको अंधसुख करना चाहिए। 33 साल का लोरेंजो को सिपाही गिरफ्तार किया है, 100 लिप्स का सिलेंडर इनके पास जो है, अब इनको तो बताना कहां पाई से, बोले हम फेलिस्तान में पैदी है, लेकिन आप तो जानते हैं कि फेलिस्तान में के जाकर के फेंकी भैया 100 लिप्स का खास सिलेंडर, अब ये पूछपाछ होने लगा है। अब ये जितना सलारस असेंबली लेट लोग को दिया गया है, मिनिस्टर्स लोग को दिया गया है, बसलेट ऑफ अमतनारन सलारसन कपलन एंड मिनिस्टर्स वॉस ऑन यश, इसलिए गुजारिश है ये तनख्वाह जो दना दन सरकार ऐलान करते हैं कि इतना मिलेगा उतना मिलेगा, लेकिन कहां से कमा करके दी हो, कहां से कमा करके दी हो पैसवा। इसलिए बोधवे ने कहा अमतनारन सलारसन एन सलारसन पॉलिटिक अंश जराकर ऑन कॉपलन, वरना जितना कमाई होगा सूरीनाम में सब यही अमतनार और मिनिस्टर और असेंबली लेट के लिए जाएगा, समझ रहे ना काका, सब जाएगा उधर। काका भैया तो हम क्या बताई, आगे चल करके मैंने आपसे कहा था ना, अब यहां लोग फिर से शर्मक्का के बारे में, चांदी शौक के बारे में जिक्र की है, 3 किलोमीटर के रास्ता है और इस रास्ता को असवतेर होना चाहिए, इस रास्ता को असवतेर होना चाहिए, और फिर जो रास्ता जा रहा है क्रेमासी और की तरफ वो भी उसको फरहर्त करना चाहिए। लेकिन अकबर ने आज जिक्र की प्यारे प्यारे लोग कि 2 हफ्ता पहले यह असफल्ट के बंदोबस्त हो चुका था चांदी शौक के लिए, ये असफल्ट और दूसरा जगह पर जाकर के असफल्ट रास्ता कर दिया और चांदी शौक को छोड़ दिया गया। भाई बहनों आज अखबार ने इसके बारे में फिर से ऐलान की है, हम लोग इसके बारे में फिर से एक मरतबा अंधसुख करने के बाद आपसे मुलाकात करेंगे और कहेंगे कि क्या अब होने को जाएगा। ए भैया जनता, मैंने भी आपसे कहा ना कि स्टूडेंट एंड लेयरक्राफ्टन वर्जेटन सिख टेगन हेट अपडुकन फन हेट आरसीई, क्योंकि सब मिनिस्ट्री फॉर अंडरवेज आरसीई को एसपीई में भर्ती करना चाहा, मिलाना चाहा।
और इसलिए वेलको फालिस ने लोग को बुला करके और कहा कि हम लोग को इस समस्या में हाँ नहीं बोलना चाहिए, समझे ना। ए काका, देखो अगर सब लोग सवाल तो करते रहते हैं, भैया जितेंद्र कल्लू ने सवाल कर रहा है, व्हाट इज द स्टेटस फॉर SML, सब लोग तो जानना चाहते हैं। जितेंद्र कल्लू भी खेतियर के लड़का है, लेकिन वाखरियन की जनता तो भी जानना चाहते हैं कि वाखरियन के साथ क्या हो रहा है। SML वही है, स्टेक्टिंग मशीनाल लानबो इन वाखरियन। प्यारे प्यारे लोग, जब तक वो इंसान वहां नहीं खड़ा होगा जो सच्चाई तौर पर देश के लिए काम करना चाहते हैं, अगर वहां पॉलिटिक या ये या वो वहां रख करके, तो आपकी कामयाबी पर भूल जाओ। वहां पर कुछ सच्चा सच्चा लोग को खड़ा करो काम करने के लिए। लेकिन जब देखो तो ये बात है तो पंप न है तो पानी न है तो ये न है तो रास्ता न ठीक है तो मशीन न है तो तेल न है तो ये न है तो वो न है। ए काका, तू कभी सुन ले बतिया कि दुल्हन विदा करके जो घर गई से तो सोने के लिए विदिए न है, कभी बात तू सुन ले। दुल्हन के तू विदा करके ले गए घरे तो बेचारी के सूते खातिर बेदी भी नहीं रह गया। ब्याह करने से पहले लोग बेदी तैयार करते हैं, घर के दरवाजा ठीक से बनाते हैं, उसको रंगते हैं, जो जो जरूरी है औरत के लिए वो तैयार किया जाते हैं। वाह जब सूर्य वाखने के लिए ये चीज होता तो पानी नहीं, तो पानी है तो मशीन न है, तो मशीन है तो भैया तेल न है, तो तेल ना तो चल ये ना। भला बताओ, एक ड्राई बुक पहले होना चाहिए, ये ड्राई बुक के कारण वही सही रास्ता तुझे ले जा सकता है। हमारे भाइयों बहनों, आज एनन ट्वेंट ऑक्रिस्टस, एन ऑक्रिस्टस वैसे अब ईश्वर ने चाहा, अल्लाह ने चाहा भैया तो मुझे जन्म दे दिया, और कहा तो हरि दिशा में सूरीनाम में। तो मैं खास करके हर एक को बहुत से बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूं जो कल से वो शे रेडियो पर मेरे लिए फरमाइश वगैरह लोग घुमाते हैं। आज मैंने चला गया दियाली शेर करे, वहां पर भैया तार पतार की वहां से हॉलैंड से तार है तो अमेरिका से तार है। मैं सबको शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हमारा बस्ती भी राम ज्वाला प्रसाद, हमारा भाई आनंद जगरूप, एस बद्रेव जगरूप का मालिक, अभी भी भेंट करके गया मुझसे। इन दोनों को मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जितने लोग तार किए हैं अभी यहां रापर में मुझे बधाई देने के लिए, मुबारकबाद देने के लिए, ए भैया प्रभु परमात्मा जीवन दिया है कुछ अच्छे काम करने के लिए, और जो लोग मुबारकबाद बधाई देते हैं वो भी होना चाहिए। लेकिन इंसान को सबसे पहले जानना चाहिए कि वो धरती पर क्या करने के लिए आया है। प्रभु परमात्मा जितने लोग को धरती पर भेजे हैं उनको सेलेक्ट करके भेजी सर, सेलेक्टेड, प्रभु ने आपको सेलेक्टेड करके भेजी सर, क्योंकि प्रभु आप पर विश्वास किया, आप पर भरोसा रखा और आप पर यकीन करता कि आप धरती पर रह करके धरती के नाम ऊंचा रखेंगे और समाज के सेवक बन करके जनता का सेवा करेंगे और जनता की मदद करते रहेंगे। इसलिए प्रभु ने आपको सड़क किया है धरती पर। तू कह लगा तू कह लो भैया प्रभु के, लेकिन तुम्हारा ठीक काम से तुम्हें सड़क किया कि धरती पर जाओ और जनता के साथ मिलकर के और जनता के साथ काम करो।
जहां तक हो सके भाई बहनों, आप लोग सुरीनाम में हो या जो देश में हो, आप लोग को सहायता देते रहो, इंफॉर्मेशन देते रहो, मदद करते रहो, सहायता देते रहो। भाई नीदरलैंड के जितने लोग हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त जितने नीदरलैंड में हैं, आप लोग ने तार किए हैं, मैं आप लोग को शुक्रिया कर रहा हूं, क्योंकि आज के तारीख 21 अगस्त मेरे नाम पर लिख दिया गया है भी, और आप लोग को यह बात पता है, इसलिए आप लोग ने तार करके मुझे बधाई दिए हैं। मैं सब लोग को शुक्रिया करता हूं, अपने स्टेक्टिंग के तमाम बस्तियों से लेजन, स्टेक्टिंग हिंदुस्तान से इन खलासी, स्टेक्टिंग एटवास ऑर्डन सुरीनाम, स्टेक्टिंग खफाल हेल्डन, हमारे रापार के सभी कर्मचारियों, सभी मुलाजिम, हमारे जितने हमारे जो सिस्टर्स वगैरह, हमारे जितने डॉक्टर्स वगैरह जो हम लोग को देखभाल करते हैं, मुझे खास करके सब कुछ करते हैं हम लोग के लिए, सब लोग के मैं भूरी भूरी धन्यवाद दे रहा हूं। हमें कोई शब्द नहीं है कैसे मैं आप लोग को शुक्रिया करें, क्योंकि जब तक इंसान धरती पर जिंदा है तो प्रभु आपसे कुछ काम भी करवाना चाहता है। जब तक एक मनुष्य धरती पर घूम रहा है तो प्रभु ने उससे कुछ भी करवाना चाहता है, लेकिन वही इंसान काम करता है जो प्रभु को चाहता है, अल्लाह को चाहते हैं। मैं आप लोगों को बड़ी बहुत धन्यवाद देता, शुक्रिया करता हूं हमारे मुस्लिम भाइयों जो मुझे तार करके मुबारकबाद दिए हैं। कल ईद उल अधा है, आपको मैं ईद मुबारकबाद भी पेश कर रहा हूं। जब तक हो सके भाइयों, आओ हम लोग मिल करके, हम अकेले ही नहीं, हम आपके साथ मिल करके सुरीनाम के समस्या जो बिगड़ते 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 इतना दूर तक बिगड़ गया है, हम आपके साथ आप लोगों के ताकत से लेकर के उस समस्या को हल करना चाहते हैं। मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं हर एक जनता को, जहां तक तुम्हारा रहते होगे और आप सुनते होगे, शुक्रिया है कि आपने समय बना करके किस तरह से रिश्तेदार अली हुसैन परिवार किताब मेरे लिए भेजा वगैरह, और जितने परिवार फूल वगैरह सब कुछ जो भेजे हुए हैं, सब लोग को मैं शुक्रिया करता हूं। मैं इस तरह से शुक्रिया करता हूं, एक संगीत जो मेरे दिल के बहुत करीब में है, कि हम इंसान तभी इंसान के काम आ सकते हैं जब हकीकत में हम आपको पसंद करते हैं, आप मुझे पसंद करता है। मैं आपसे कहूंगा कि हम लोग मिलकर के इस देश सुरीनाम में बिगड़ी हुई समस्या को आओ सुधारा जाए, और हम अपने दिल से आप लोगों तहे दिल से कहिए, मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा कर रहा हूं।